आखिर पाकिस्तान क्यों इस पर बौखलाया हुआ है, अब हम आपको उसे समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट क्यों है, पाकिस्तान आतंक को कैसे पालता पोसता, ये सब जानते हैं। दरअसल घाटी में मई में G20 सम्मेलन होने वाला है और ये G20 सम्मेलन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि। G20 सम्मेलन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर PAFF का पोस्ट वायरल हो रहा है और ये वायरल पोस्ट बताता है कि बौखलाहट कैसी है इस G20 सम्मेलन को लेकर। इस पोस्ट में G20 को निशाना बनाने की धमकी दे दी गई थी और उसके बाद क्या हमले को अंजाम दिया गया वो आपने देखा। पाकिस्तान POK अधिकारी G20 से निराश हैं। पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो अधिकारी हैं वो इस G20 से निराश हैं और यही वजह है कि इस तरह के हमलों की प्लानिंग की जा रही है, इस तरह के हमलों को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि भारत ऐसे हमलों का जवाब देने में बहुत सक्षम है, इससे पहले भी जवाब देता है और हो सकता है कि एक बार फिर से जवाब पुरजोर तरीके से दिया जाए। G20 सम्मेलन में खलल डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ये दरअसल पाकिस्तान की बौखलाहट है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। जब G20 सम्मेलन में खलल डालने के लिए प्रोत्साहित करने की बात निकलकर सामने आई, इसके अलावा अब किस तरह से कदम उठाए जाते हैं क्योंकि आतंक के खात्मे के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। अब तक कई आतंकियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया जा चुका है, लेकिन जब इस तरह की कोशिशें होती हैं तो फिर सवाल वही है कि आतंक को पूरी तरह से घाटी में खत्म कैसे किया जाए।